दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को यहाँ पे बताने वाले हैं किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। आप लोग किसान क्रेडिट कार्ड किस तरह से बनवा सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे किसान क्रेडिट कार्ड के क्या क्या लाभ जो है किसान को मिलते हैं, साथ ही साथ इसमें कौन सी सुविधाएं जो है दी जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें ताकि आप लोगों को यहाँ पे किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में पता चल सके। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है जितने भी किसान हैं उन सभी को खास करके किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में जानना चाहिए ताकि आप लोग इसका लाभ ले पाएंगे। सो आप लोग वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि जितने भी सरकार की तरफ से योजना लॉन्च की जाती है उस योजना के बारे में आप लोगों को अपडेट मिल सके। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे जो है इस योजना के बारे में आप लोगों को जानकारी लेना होगा। तो इस योजना के लिए सबसे पहले आप लोगों को मोबाइल फ़ोन या आप लोग कंप्यूटर की मदद से गूगल में सर्च करेंगे theupdatepro.com। फ्रेंड्स इस वेबसाइट को जैसे आप लोग सर्च करेंगे तो आप लोगों को ऊपर में ये होम टैब दिख जाएगा, आप लोगों को इस वाले लिंक पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आप लोगों को ऊपर में ही लेटेस्ट अपडेट में आप लोग नीचे देख सकते हैं किसान क्रेडिट कार्ड क्या है और किसान क्रेडिट कार्ड के लिए कैसे अप्लाई करना है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आप लोग जानकारी लेना चाहते हैं, आप लोगों को इस लिंक पर क्लिक करना है। लिंक पर जैसे क्लिक कीजिएगा आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से इंटरफेस आप लोगों के सामने आएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसान क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन ऐसे बनेगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसके लिए लगते हैं, कहाँ से आप लोगों का किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, सारी जानकारी आप लोगों को इस पोर्टल पे दी गई है। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे नीचे आना है और नीचे आने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि अगर आप एक किसान है तो आपको पता होना चाहिए कि किसान क्रेडिट कार्ड क्या है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। अगर नहीं पता है तो आप लोग इस वेबसाइट पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप सभी को जानकारी दे दूं कि आप सभी किसान का क्रेडिट कार्ड बनाया जाएगा। इसके लिए सरकार 1 अक्टूबर से घर घर जाकर सभी किसानों का क्रेडिट कार्ड बनाएगी। तो ये तो बात हुई कि सरकार की ओर से भी ये पहल जारी कर गई कि जो भी किसान जिनका कि क्रेडिट कार्ड नहीं बना है उनका क्रेडिट कार्ड बनाना है, उसके लिए 1 अक्टूबर से जो है यहाँ पर बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लेकिन आप चाहे तो अभी भी अपना क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के बारे में आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारे जो है फ़ायदे मिलने वाले हैं, जैसे कि आप लोग चाहे तो किसी भी बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड के मदद से लोन ले सकते हैं और जिस पे कि आप लोगों को सब्सिडी दिया जाएगा और आप लोग उसके लिए जो है खेती करने के लिए बीज, खाद, कीटनाशक जैसे पदार्थ जो भी आप लोगों को खेती में जो है ज़रूरी है वो सभी सारा सामान आप ले सकते हैं। यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि आप लोगों को जो है यहाँ पे किसानों की सुविधा के लिए सरकार की ओर से इन्हें क्रेडिट कार्ड दिए जाने का निर्णय लिया गया है ताकि उन्हें आसानी से बैंक से लोन प्राप्त हो सके और इस तरह किसी और जगह से लोन लेने की और जो है उनको प्रॉब्लम ना हो। इस साल सरकार ने 1.5 करोड़ किसानों को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सरकार की ओर से जो है जितने भी किसान हैं उन सभी के लिए यहाँ पे जो है किसान क्रेडिट कार्ड की योजना लॉन्च की गई है जिसके अंदर सभी किसानों को बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं। तो इसके लिए जो है शिविर भी लगाए जा सकते हैं जिससे जैसा कि इसमें बताया जा रहा है किसान क्रेडिट कार्ड के सीसी के लिए कब लगेगा शिविर। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि 31 दिसंबर 2023 तक जारी होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ से 1 अक्टूबर से जो आप लोगों का यहाँ पर शिविर लगना चालू हो जाएगा और जो कि दिसंबर मंथ तक आप लोगों का यहाँ पर क्रेडिट कार्ड बनाया जाएगा। अगर क्रेडिट कार्ड के आप लोगों को लाभ नहीं पता है क्या क्या लाभ आप लोगों को मिलने वाले हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसके बारे में भी, यहाँ पे किसान क्रेडिट कार्ड से किसानों को क्या क्या लाभ मिल सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे पूरी जानकारी इस वेबसाइट पे दी गई है। और उसकी जो अवधि होगी यानी किसान क्रेडिट कार्ड का जो आप लोगों का वैलिड होगा वो कब तक के लिए होगा उसकी जानकारी भी दी गई है। साथ ही साथ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर किसान क्रेडिट कार्ड के लिए जो है ऋण पर कितना परसेंट आप लोगों को ब्याज लग सकता है बैंक की ओर से, वो सारी जानकारी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स आप लोग इस वेबसाइट पे आएंगे, इस वेबसाइट पे आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगने वाले हैं किसान क्रेडिट कार्ड के लिए उसके बारे में भी जानकारी दी गई, जैसे कि आधार कार्ड, जमीन का रसीद, बैंक पासबुक, पैन कार्ड और किसी भी बैंक में कर्जदार यानी कि पहले से आप लोग अगर किसी भी बैंक में लोन नहीं लिए तभी इस योजना का लाभ आप लोगों को मिल पाएगा। साथ ही साथ एक फ़ोटो और मोबाइल नंबर आप लोगों के पास होना चाहिए जिसकी मदद से आप लोग बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पे अपना किसान क्रेडिट कार्ड बना सकते हैं। तो आखिर इसके लिए जो है किसान क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन कैसे बनेगा इसकी प्रक्रिया यहाँ पे आप लोगों को बताई गई है। बहुत सारे बैंक के तरफ से भी किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जाते हैं जिससे कि आप लोगों को कई सारी सुविधाओं का लाभ दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जितने भी किसान हैं उन सभी के लिए एक अच्छी पहल है जिसके अंदर जो है यहाँ पे किसान क्रेडिट कार्ड आप लोगों को बनाया जाएगा जिससे बहुत सारी सुविधाएं आप लोगों को मिलेगी अपनी खेती करने के लिए।
तो यहाँ पे आप लोगों को किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, जहाँ से आप लोगों को यहाँ पे सारी अपडेट मिल जाएगी। theupdatepro.com आप लोग गूगल में सर्च करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को इस वेबसाइट पे किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में सारी जानकारी उपलब्ध करा दी गई है। सो दोस्तों, मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।